अध्यक्ष संजय जायसवाल ने क्या कुछ कहा और अब बात बीजेपी के बाद कांग्रेस की होगी। कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा की आवाज पर घंटों कांग्रेस विधायकों की आपात बैठक चली। ऐसे आपात बैठक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देर रात ये खबर सामने आई कि कांग्रेस की एक अहम बैठक है। अचानक ये फैसला लिया गया कि कांग्रेस के नेताओं की बैठक होगी। बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि इस बैठक में पार्टी के तमाम नेताओं ने अपने अपने विचारों को रखा। वहीं MLC चुनाव नहीं लड़ने पर भी मदन मोहन झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के विधायक दल के नेता ने कहा कि बैठक में आगामी मानसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। तो आपको बता दें कि एक अहम बैठक हुई है कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा की आवाज पर। इस बैठक में तमाम नेता कांग्रेस के मौजूद रहे, कांग्रेस के कई बड़े विधायक मौजूद रहे और ऐसे में बैठक में क्या कुछ रणनीतियां बनी इसको लेकर कांग्रेस के नेताओं ने बातचीत की। 24 तारीख से सदन चलने वाला है। देखिए, जनता विधायक को चुनती है उसकी आवाज़ बनने के लिए, उसकी जो अपेक्षाएं हैं, जो उसकी समस्याएं हैं, उसकी आवाज़ बनने के लिए उन पे बातों पे चर्चा हुआ कि हम लोग जोरदार ढंग से आवाज़ उठाएं और सरकार की जो नीति गलत है उसके खिलाफ हम लोग मिलजुल के सरकार को घेरने का काम करें। आप खुद जानते हैं महंगाई क्या हालत चरम सीमा पर है, बेरोजगारी कैसे बढ़ गया है और जो केंद्र सरकार हिंदू और मुसलमान, चूंकि यहाँ भी NDA की सरकार है जो केंद्र में है, आप देश को तोड़ने का जो काम कर रहे हैं, हम लोग बहुत जोरदार तरीके से सब लोग मिलजुल के, जरूरत पड़ी तो विपक्ष भी, हम चाहेंगे विपक्ष भी एक साथ लड़े नहीं आवाज़ उठाए और हम लोग सरकार को घेर के उसकी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाए। MLC चुनाव में मेरी संख्या 19 है और 31 वोट की आवश्यकता है और हम लोग को जनता ने सिर्फ 19 वोट दिया है तो हम लोग को मैंडेट नहीं है लड़ने के लिए और हम लोग नहीं चाहते हैं जो कोई गलत तरीका हो, जो मान लीजिए BJP के लोग करते हैं उस तरह से हम लोग नहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर रहता संख्या तो लड़ते। हर समय यहाँ पर BJP जो है और JDU के नेता सुशासन की बात करते हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बहुत तरह के ऐसे जन सरोकार के मुद्दे हैं, उन पे हम लोग बैठे थे बात करने के लिए कि हम लोग 24 को किस तरह से सदन में जन सरोकार के मुद्दे को मजबूती से उठाए ताकि सरकार का ध्यान आकृष्ट करा सके। RSS के प्रमुख यानी संघ प्रमुख मोहन भागवत समस्तीपुर पहुंचे। उनके आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। वे सड़क मार्ग से मधुबनी से दिल्ली जाने के क्रम में समस्तीपुर रेलवे अधिकारी क्लब में रुके। बता दें आपको कि वे मधुबनी जिले में अपने 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में आए थे। परमपूज्य मोहन भागवत जी, मधुबनी में जो द्वितीय वर्ष का वर्ग चल रहा है उसमें आए हुए थे और दिल्ली जाने के क्रम में यहाँ स्टेशन पर रुके हैं 5 मिनट के लिए और फिर वापस अभी दिल्ली जा रहे हैं।